थैंक यू मैम। So students, two more things which you should keep in your mind when you enter in the classroom live. जब भी आप classroom live में enter करते हो, ठीक है? तो सभी student के साथ उसका registration number added होना चाहिए, ठीक है? Otherwise, मैं enter नहीं करूँगी. Next time जब भी आप class में enter होते हो ना, तो अपना registration number अपने नाम के साथ लिखिए, वरना problems आ रही हैं. ठीक है, समझ में आ रही बात की सबको? नहीं आ रही है, इजी टू, है ना? तो नेक्स्ट टाइम से जब भी आप एंटर करते हो क्लास में, योर कैमरा शुड बी ऑन, योर माइक शुड बी ऑफ एंड एडिट योर रजिस्ट्रेशन नंबर विद योर नेम, देन यू एंटर इन द क्लास. अदरवाइज आई विल नॉट एंटर दिस एंड दैट स्टूडेंट. Is it okay to all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, good. Okay, students. Okay, performance की बात करते हैं. सभी students ने बहुत nicely perform किया. Very good. वंशिका, आपका dance भी superb था. यामिनी, आपका भी. जिन जिन बच्चों ने participate किया है, किसी ने speech दी है, very nice. I'm very impressed to all. Very good students. Very nice. Okay. So let's start. Mic on करेंगे सभी. जिसके कैमरे ऑफ हुए मैं last time बोल रही हूँ. जिसके कैमरे ऑफ हुए मैं remove कर रही हूँ class. जिसके भी कैमरे ऑफ हुए. मैंने अनाउंस नहीं करना. अथर्व, आपको समझ में नहीं आ रहा बच्चे? 3218 एंड पायल, कैमरा ऑन कीजिए अपना, अदरवाइज आप क्लास नहीं अटेंड कर पाओगे आज. अथर्व एंड पायल, ओके. सो लास्टली, अच्छा यहाँ से मैंने माइक म्यूट किया है पीछे से, जिसको कुछ पूछना है वो अपने रेज हैंड कर देगा, मतलब उसका माइक यहाँ से ऑन करूंगी तब वो बोल सकता है, ठीक है? ओके, स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा था? हम एनिमल्स की रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे. वी टॉक्ड अबाउट एनिमल्स रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने फर्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया था. आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू, शो योर थम्स अप इफ यू आर ओके विद माय वॉइस विद दिस ब्लैक बोर्ड. इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? ओके, नाइसली. तो स्टूडेंट्स, हमने रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के बारे में बात की थी, जिसमें हमने फर्स्टली एसेक्सुअल के बारे में बताया था, जिसमें हमने एक टाइप किया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, दैट इज अ बडिंग. बडिंग, बडिंग पढ़ा था हमने. सिमिलर जैसे हमने प्लांट्स एनिमल्स के रिप्रोडक्शन में ईस्ट में पढ़ा था इन प्रीवियस क्लास में. बडिंग, बडिंग कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? If you want to ask something, then raise your hands. If you okay do this, then you will show your thumbs up. Yes, everyone. I am audible to all of you. Is yes or no? Mic नहीं on कर पाओगे आप अपना raise hand करो किसको कुछ पूछना है, then only show your raise hand. If you yes or no में answer करना, then you show your thumbs up. Okay. Now. Come to the next type, that is a regeneration. That is regeneration. Regeneration. Regeneration में क्या होता था? Regeneration में क्या होता था? आपने lizard को देखा होगा, sometimes उसकी tail नहीं होती है. किसी वजह से वो कट गई होती है, ठीक है? थोड़े टाइम के बाद क्या देखते हो, उसकी टेल फिर से आना शुरू हो जाती है. दैट इज अ रीजनरेटिंग प्रॉपर्टी. दैट इज अ रीजनरेटिंग प्रॉपर्टी. लिजर्ड होती थी, उसकी टेल थी, ठीक है? थोड़े किसी बाय चांस कट आउट हो जाती है, थोड़े टाइम के बाद देखते हैं तो वो फिर से आउटग्रोथ होना शुरू हो जाती है, उसकी टेल फिर से रीजनरेट हो जाती है. तो ये क्या है? ये एक एनिमल में एक ऐसी प्रॉपर्टी है या ऐसे गॉड गिफ्टेड
प्रॉपर्टी या करैक्टरिस्टिक्स बोल सकते हो, रीजनरेटिंग प्रॉपर्टी, रीजनरेटिंग करैक्टरिस्टिक्स, जिसमें अगर फिर से वो आदमी अगर कटआउट हो जाता है उसको कोई पार्ट बॉडी का, तो वो फिर से रीजनरेट कर सकता है, ठीक है, फिर से उसको दोबारा उस तरह से मीन प्रॉपर उगा सकता है, बोल सकते दोबारा उसको फिर से बना सकता है, ठीक है, दैट इज अ रीजनरेटिंग प्रॉपर्टी. तो स्टूडेंट्स हाइड्रा में भी कई ऐसे एनिमल्स होते हैं उनमें रीजनरेटिंग प्रॉपर्टी होती है. आपको पता है एक मजे की बात ये है कि साइंटिस्ट ये बोल रहे हैं इस चीज में डिस्कवरी या इन्वेंशन कर रहे हैं, अगर ये चीज, अगर ये रीजनरेटिंग प्रॉपर्टी क्रिएट करने वाले जो जीन्स हैं, जिस वजह से ये प्रॉपर्टी या करैक्टरिस्टिक्स शो कर रहे हैं, अगर ये बाय चांस ह्यूमन बीइंग्स में आ जाए, तो सोचो कितनी ज्यादा एडवांसमेंट हो जाएगी, या कितनी आप बोल सकते हो कितना ज्यादा रेवोल्यूशनरी वो होगा, ठीक है. अगर किसी की लिम्स कट जाती हैं, डू यू नो अबाउट लिम्स, लिम्स क्या होती हैं, क्या होती है लिम्स, रेज योर हैंड्स. वंशिका, यस, जस्ट अ मिनट, यस वंशिका, वंशिका, आई डोंट नो अनम्यूट वाला प्रॉपर्टी, कोई बात नहीं, आप चैट बॉक्स में लिख लीजिए रीजनरेटिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, लिम्स क्या होते हैं, आपकी आर्म्स एंड योर लेग्स, हाइंड लिम्स एंड फोर लिम्स हमने पढ़े थे, है ना, सेवेंथ सिक्स क्लास में था आपका एक चैप्टर था, ठीक है, कैप्चरिंग द मूवमेंट करके, उसमें लिम्स के बारे में हमने बात की थी. आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू, वंशिका आई एम ऑडिबल, am I audible, yes or no, yes ma'am, okay. So legs and arms ko hum limbs bolte hain, theek hai, agar ye property regenerating properties scientist bahut bahut time se lage hue hain is cheez pe, lekin ye regenerating property ek bar hum human mein aa jaye to kisi limbs kat jate hain, kisi ka koi body part kat jata hai to fir se regenerate kar sakta hai, तो हमें आर्टिफिशियल हैंड्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें आर्टिफिशियल लेग्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, नो नीड ऑफ आर्टिफिशियल लेग्स एंड हैंड्स, इफ वी हैव अ रीजनरेटिंग प्रॉपर्टी, इफ वी हैव अ रीजनरेटिंग करैक्टरिस्टिक्स इन आवर बॉडी, विद इन आवर बॉडी हम कुछ भी रीजनरेट कर सकते, ठीक है, तो ऐसे नहीं करते रहना है कि बार बार अपना हाथ ही काटते रहो, बार बार तो रीजनरेट होता ही रहता है, ये नहीं करना है फिर, ठीक है, अगर अगर ये रेवोल्यूशनरी हो, रेवोल्यूशन आ जाता है इस चीज में, अगर ये चीज की अगर डिस्कवरी हो जाती है, इन्वेंशन हो जाता है, ठीक है. तो स्टूडेंट्स हम हाइड्रा की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रा में हमने देखा बडिंग के अलावा उसमें रीजनरेशन भी हो सकती है, ठीक है, तो रीजनरेशन कैसे होगी, बट सपोज दिस इज हाइड्रा, ठीक है, अगर सपोज करो यहां से ये कट आउट हो जाता है, तो ये वाला पार्ट कट आउट हो जाता है, ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंटली फिर से रीग्रोथ कर सकती है, फिर से रीजनरेट हो सकते हैं, लाइक दैट, अगर इसमें से इसके मिडल पार्ट बॉडी का ये पार्ट कट आउट हो जाता है हाइड्रा, ठीक है, इफ हाइड्रा गेट्स एक्सीडेंटली कट आउट इनटू टू पीसेस, देन आफ्टर अ व्हाइल ईच पीस ग्रो इनटू अ इंडिविजुअल हाइड्रा, दोनों इंडिविजुअल हाइड्रा में बन सकते हैं, देखो कितनी पावरफुल प्रॉपर्टी है ये, कट आउट होके भी दो बन जाएंगे, ठीक है. दिस अमेजिंग मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज रीजनरेशन, इस अमेजिंग फैक्ट को रीजनरेशन बोलते हैं. सपोज हमारा अगला साइंटिस्ट शुभांगी हो, उसने रीजनरेटिंग वाला डिस्कवर कर लिया और वो फिर अब ह्यूमन बीइंग्स में अप्लाई कर रहा है, हमारी नेक्स्ट साइंटिस्ट फिर यही हो, है ना शुभांगी, यस और नो, यस और नो शुभांगी, आई एम ऑडिबल,
वांगी अपना थम्स अप कर दो बच्चे, वहां से आपका अनम्यूट नहीं हो पाएगा कि मैंने यहां से किया हुआ है, ठीक है? तो दैट इज योर रीजनरेशन प्रॉपर्टी, रीजनरेशन। अनदर एग्जांपल आप प्लानेरिया का दे सकते, ठीक है, वो भी ऐसे रीजनरेटिंग प्रॉपर्टी दिखाता है। आप लिजर्ड्स का दे सकते हो, उसमें भी रीजनरेशन होती है, उसकी टेल फिर से रीजनरेट हो जाती है। कभी देखना, ऑब्जर्व करना उस चीज को, अगर किसी लिजर्ड की टेल कट गई है तो ऐसा नहीं करना है उसमें केस में बना के रख देना, एक बॉक्स में डाल के रख देना, नहीं हमने तो देखना है इसकी टेल कब आती है कब आती है कब आती है, ठीक है? बट ऑब्जर्व करना, कभी कभी उसके टेल वाले पार्ट में छोटी सी आउटग्रोथ होना शुरू हो जाती है, बाद में भी वो फुली ग्रो हो जाता है, दैट इज अ रीजनरेटिंग प्रॉपर्टी। एनिमल्स को तंग करना खुद ने उसकी टेल कट कर देनी है, ठीक है? अक्षय चौधरी बच्चे आपका कैमरा किधर है, किधर कैमरा है, कैसे सेट करना बताया मैंने कैमरा आपका? ओके सो अभी मैं उन स्टूडेंट्स की नेम अनाउंस कर रही हूँ जिनके कैमरे ऑफ है और उनको मैं क्लास से रिमूव कर रही हूँ। फर्स्ट इज सक्षम, रजिस्ट्रेशन नंबर 993। अभी नहीं ऑन करना है, फिर नहीं ऑन करना है अभी। अथर्व 3218, ओके। एंड जिन बच्चों की ऑडियो भी कनेक्ट नहीं है दे विल ऑल्सो डिसमिस फ्रॉम द क्लास। ओके नाउ कम टू द वंशिका, आपका माइक म्यूट हो रहा है, अनम्यूट हो रहा है, तो यहाँ से ई डेक वाला स्टार्ट करो पढ़ना, स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द ई डेक, एफ ए डेक, सॉरी नॉट ई डेक, एफ ए डेक। जस्ट अ मिनट, वंशी का माइक ऑन हो रहा है बच्चे की नहीं हो रहा है? आप थम्स अप से मुझे शो। यस मैम, हैप्पी डैड। आई रिमेंबर सीइंग एन अमोबा फील, नाउ आई वांट टू ऑब्जर्व हाउ इट रिप्रोड्यूसेस। ग्रीनी डैड, सिंस इट इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, व्हेन इट रीचेस मैच्योरिटी इट सिंपली डिवाइड्स इनटू टू। लेट अस नो मोर अबाउट रिप्रोडक्शन इन अमोबा। ओके ओके म्यूट योरसेल्फ। स्टूडेंट, अमीबा के बारे में हमने 7th क्लास में भी पढ़ा था, उसकी फीडिंग के बारे में, अमीबा फीड अप कैसे करता है, फीडिंग कैसे करता है अमीबा, ठीक है? हमने पढ़ा था मेम्ब्रेनस की, वो मेम्ब्रेन होती है, वो एंगल्फ करता है फूड पार्टिकल्स को, कुछ इस टाइप का देखा था हमने, दैट इज योर अमीबा। अगर ये कुछ फूड इसको दिखता है तो ये क्या करेगा, तो इसकी जो मेम्ब्रेन है ये कैसे हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी और फूड यहाँ पे आएगा, फिर बाद में ये अंदर की तरफ चला जाता है, ठीक है? फिर एसिमिलेशन होती है, कुछ पढ़ा था हमने इस टाइप का, यस और नो? ओके अभी हम देखेंगे रिप्रोडक्शन कैसे होती है, वो रिप्रोड्यूस कैसे करता है, कैसे अमीबस के बेबीज आते हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्यूट से बेबीज कैसे आएंगे, कैसे रिप्रोड्यूस करता है, एक अमीबा से दो अमीबा कैसे बनते हैं, ठीक है? अभी उसी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है? यामनी, यामनी माइक ऑन करो बच्चे अपने साइड से। यामनी भावना आम करें, बाइनरी फिशर, बाइनरी फिशर,
When amoeba grows in size due to absorption and utilization of food assimilation, it undergoes cell division, which results in the formation of two daughter cells. First of all, the genetic material. यहाँ पे स्टॉप करेंगे बच्चे. तो आपका क्या बोल रहा है कि अमीबा ग्रो कैसे करता है? हर एक चीज कैसे ग्रो, जब वो खाना खाएगी, उसकी डाइट लेगी, तभी आप ग्रो कर पाओगे ना, वेल वेल फुली ग्रो कर पाओगे. ठीक है. सो अमीबा जब फूड को एब्जॉर्ब करता है और उसको यूटिलाइज करता है, तो इन दोनों चीज को हम एक एक वर्ड के अंडर लेके आए, दैट इज द एसिमिलेशन. तो व्हाट इज एसिमिलेशन अंडरलाइन कर लेंगे, क्योंकि बच्चे कुछ ऐसी टर्म्स होती है ना, जब डायरेक्ट इनको यूज किया जाता है तब आप इस सोच में पड़ जाएंगे मतलब क्या. सो इट मीन्स दैट द फूड व्हेन इट इज एब्जॉर्ब्ड एंड यूटिलाइज्ड, एब्जॉर्ब करने के बाद उसका यूटिलाइजेशन भी हो रहा है, दैट इज एसिमिलेशन. उस टर्म एसिमिलेशन बोलते हैं. ठीक है, जैसे आपकी डाइजेशन होती है, इंजेशन होती है, वैसे एसिमिलेशन होती है. एसिमिलेशन मीन हमने फूड को खा भी लिया और उसको हमने यूज भी कर लिया. यूज इन द सेंस, किस में यूज, उसकी एनर्जी, जो फूड से हमें एनर्जी मिली है उसको हम साथ साथ यूज भी कर रहे हैं. ठीक है, एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन दोनों टर्म्स को हम एक वर्ड के अंडर लेके आए हैं, दैट इज द एसिमिलेशन. नेक्स्ट टाइम मैं पूछूंगी तो किसी कंफ्यूजन होना है, मैम क्या होता है इसे अंडर. ठीक है, ओके. जब एक बार एसिमिलेशन हो गई अमीबा में, ठीक है, उसने खाना भी खा लिया, यूटिलाइजेशन भी हो गया, देन क्या होगा, व्हाट विल बी हैपन, वो डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है. ठीक है, सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है उसमें. ठीक है, इस वजह से दो डॉटर सेल्स बनते हैं, आपके अमीबा के दो डॉटर सेल्स बनेंगे. बाइनरी का मतलब ही टू होता है स्टूडेंट्स, फिशन बटना, डिवाइड हो जाना, दो में डिवाइड हो जाना, बाइनरी मीन्स टू. ठीक है, तो इसलिए देखो नेम से ही पता चल रहा है कि दो में डिवाइड हो रहा है, दो डॉटर सेल्स बन रहे हैं. अमीबा शोज बाइनरी फिशन, आपको वन मार्क का क्वेश्चंस भी आते हैं. ठीक है, जो आपके एंट्रेंस एग्जाम्स भी होंगे, आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, अमीबा शोज विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, इट्स इनसेक्चुअल रिप्रोडक्शन एंड कौन सा टाइप है, दैट इज बाइनरी फिशन, बर्डिंग, रीजनरेशन, विच टाइप. सो इट शोज द बाइनरी फिशन, आपका बाइनरी फिशन होता है. इज दैट ओके, समझ आया सबको? यस मैम. इतना समझ में आया बाइनरी फिशन का मतलब? एवरी वन, मुझे सभी बच्चों का पूरी एनर्जी के साथ थम्स अप दिखना चाहिए, आपके फेस में दिखना चाहिए कि सच में इनको समझ में आ रहा है कि नहीं है. डल फेसेस लेके नहीं बैठना है, नींद आ रही है जाओ और अपना मुंह धोके आओ, गो एंड वॉश योर फेस. ठीक है, सभी बच्चों को, क्योंकि ये टर्म्स बार बार नहीं आएंगे. अक्षित कुमार आप जा सकते हो क्लास में, मुझे आपको रखने क्लास में बिठाने का नहीं है कोई इरादा, का कैमरा ऑफ है आपका. जिन स्टूडेंट्स के कैमरे ऑफ है मैं उनको रिमूव कर रही हूँ, मैंने पहले ही बोला है आपने किसी टाइप को क्लास में. नेक्स्ट अक्षित कुमार, ओके यामिनी, नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे बच्चे पढ़ना. Yes, ma'am. First of all, the genetic material DNA has to be equally distributed in two daughter cells. Therefore, it gets replicated, that is, produces a duplicate copy in the nucleus. As a result, the nucleus divides into two nuclei. The division of the nucleus is followed by the division of cytoplasm. Nuclei move to opposite ends and a constriction is formed in the middle of the parent amoeba. The constriction divides the parent amoeba into two daughter amoeba. These in turn undergo the process of growth and reproduction. अभी आप थोड़ा स्टॉप करेंगे. अभी देखो स्टूडेंट्स एक चीज बता रहे हैं, क्या चीज बता रहे हैं यहाँ पे, रेप्लीकेट वर्ड आ रहा है. कौन सा वर्ड आ रहा है? रेप्लीकेट. रेप्लीकेट कौन सा वर्ड आ रहा है? मैं लिख भी रही हूँ, नोटबुक साथ में रखते चला करो, मीनिंग लिखते चला करो, नेक्स्ट टाइम आपको बुक को भी कंसर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक
ठीक है, राइट डाउन साथ साथ में लिखते चला करो, रेप्लीकेट। रेप्लीकेट का सीधे वर्ड से मैं आपको बात करूं ना, मतलब कि दूसरी क्लोन बनना, एक और कॉपी बनना, ठीक है, उसको बोलते हैं हम रेप्लीकेट। अगर अदरवाइज कभी आपको रेप्लीकेट वाला वर्ड आता है तो सीधा से बस माइंड में तुम्हारी एक ही बात क्लिक होनी चाहिए, उसकी कार्बन कॉपी, बिल्कुल बिल्कुल उसकी हूबहू एक डुप्लीकेट चीज, उसको हम रेप्लीकेट बोलते हैं, ठीक है। एक की दो चीजें बन जाना, दैट इज अ रेप्लीकेट, बिल्कुल हूबहू रेप्लीकेट। होता कैसे ये प्रोसेस ये कि बाद में पढ़े, बट इसका मीनिंग आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, व्हाट इज अ रेप्लीकेशन, व्हाट इज अ रेप्लीकेट, वर्ड रेप्लीकेट स्टैंड्स फॉर व्हिच, ठीक है, इतना समझ में आ गया। यस पार्थ बच्चे, अपना आपका कैमरा क्यों ऑफ है? भावना अरुण चौधरी, आप क्या करें, दैट इज ऑफ रेप्लीकेशन, यानी माइक ऑफ करेंगे बच्चे, अभी मैं टॉपिक समझी उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। सॉरी सो क्या होता है स्टूडेंट, डीएनए में जब भी बाइनरी फिशन बाद एक बार एसिमिलेशन प्रोसेस होगी ना, अमीबा फुली ग्रोथ हो गया, मैच्योरिटी लेवल पे पहुंच गया, ठीक है। तो सबसे पहले अमीबा है ये आपका, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल किसमें होता है, न्यूक्लियस में होता है। जेनेटिक मटेरियल का अगर हम बात करें सीधी सीधी तो किसको बोलते हैं, दैट इज योर डीएनए, दैट इज योर क्रोमोसोम्स, यस और नो, यही होता है ना जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो वो जो न्यूक्लियस है, अगर सबसे पहले जैसे एसिमिलेशन प्रोसेस होगी, ग्रोथ फुली होगी, मैच्योरिटी लेवल पे पहुंच गया, बाइनरी फिशन स्टार्ट हो गया, तो सबसे पहले उसका जेनेटिक मटेरियल उसका न्यूक्लियस डिवाइड करना शुरू करता होता है। ऐसे नहीं होता कि हमने कट कर दिया दो में बट गए, नो, फर्स्ट प्रोसेस स्टार्ट विद डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। सबसे पहले अमीबा का न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू होगा, उसका डीएनए बटना शुरू होगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा टू डॉटर सेल्स में। डॉटर सेल्स किसको बोलते हैं, पेरेंट सेल से जो चीज आगे बन रही है वो उसका डॉटर सेल है, ठीक है। तो सबसे पहले अमीबा में आपका बाइनरी फिशन कहां स्टार्ट होता है, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करना शुरू होता है, ठीक है। न्यूक्लियस डिवाइड का मतलब ये रेप्लिकेट होना शुरू हो जाएगा, इसकी एक और एग्जैक्ट न्यूक्लियस बनेगा, यहाँ पे बोर्ड में देखेंगे सभी, यहाँ पे इसका एक और न्यूक्लियस बनेगा, न्यूक्लियस की रेप्लिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगी, रेप्लिकेशन, रेप्लिकेट न्यूक्लियस, एक और ऐसा न्यूक्लियस बनेगा, ठीक है, डुप्लीकेट कॉपी बनेगी, किसमें बनेगी, न्यूक्लियस में, ठीक है। इस वजह से क्या होगा, जो न्यूक्लियस होगा वो डिवाइड हो जाएगा इन टू न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस से आपकी न्यूक्लियाई बनेंगी, दो न्यूक्लियाई, ठीक है। अभी मैं समझाऊंगी बनेंगी कैसे, मैं यहां से बता रही हूं अभी कि अमीबा में बाइनरी फिशन सबसे पहले आपका न्यूक्लियस का जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट होना शुरू हो जाएगा, रेप्लीकेट होना शुरू हो जाएगा, न्यूक्लियस का डिवाइड होना शुरू हो जाएगा, एक एग्जैक्ट कॉपी बनेगी, न्यूक्लियाई बन जाएंगे, न्यूक्लियस से न्यूक्लियाई बन जाएंगे हमारे, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस इज फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, अभी आप देखेंगे ब्लैक बोर्ड में कैसे, ठीक है। ये आपका अमीबा है, फुली मैच्योर ग्रो हो गया है, ठीक है, स्टार्टिंग में अब इसमें बाइनरी फिशन स्टार्ट हो गया है। तो बाइनरी फिशन कैसे स्टार्ट होगा, इसके सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू हो जाए, ऐसे ऐसे बना देती हूँ, क्रोमोसोम्स आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको क्लियरली समझ में आएगा, ऐसे इस न्यूक्लियस से ऐसे एक एग्जैक्ट कॉपी बनना शुरू होगी, ठीक है। अब देखो मैं यहां पे बना रही हूं, जैसे ही न्यूक्लियस दो में बट गया, रेप्लिकेट हो गया, ठीक है, न्यूक्लियाई बन गए,
यहाँ पे मैं डिफरेंट कलर से बनाती हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस, इस तरह का न्यूक्लियस का एक और न्यूक्लियस ऐसा बनना शुरू हो गया। ठीक है, फिर अल्टीमेटली ये दोनों ऐसे डिटैच हो जाएंगे और ऐसे इस तरह से न्यूक्लियाई बन जाए। जैसे एक बार दो न्यूक्लियाई बन गए हमारे, हमारे पास दो न्यूक्लियस आ गए, तो क्या होगा, साइटोप्लाज्म की भी डिवीजन होना शुरू हो जाएगी। एंड यू ऑल ऑफ यू नो दैट व्हाट इज द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हम सेल वाले में पढ़ चुके हैं, क्या होता है, फ्लूइड टाइप स्ट्रक्चर होता है जो सेल में प्रेजेंट होता है, आपको पता है ना। ठीक है, तो जैसे ही न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू हुए, ये यहाँ से एक ऐसे कंस्ट्रक्शन से बनना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ऐसे कंस्ट्रक्शन बनना स्टार्ट हो जाएगी और धीरे 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 डीप होती जाएगी, डीप होती जाएगी, और अल्टीमेटली ये दो डॉटर अमीबा सेल्स आपस में अलग हो जाएंगे इस तरह से। बहुत इजी है, दिस इज योर बाइनरी फ्यूजन। ये बाइनरी फ्यूजन बहुत इजी है, कुछ नहीं है। सबसे पहले न्यूक्लियस रेप्लिकेट होना शुरू हो जाएगा, उसकी एक एग्जैक्ट कॉपी बनना शुरू हो जाएगी। जैसे ही न्यूक्लियस के दो न्यूक्लियस बन जाते हैं, दो न्यूक्लियाई बन जाते हैं, उसके जस्ट जस्ट उसके साइटोप्लाज्म की डिवीजन शुरू हो जाती है, न्यूक्लियस फिर साइटोप्लाज्म। तो जैसे जैसे इनकी मेम्ब्रेन में ये डीप जैसे कंस्ट्रिक्शन आती चलती है, ये और डीप होती जाती है, होती जाती है, डीप होती जाती है, अल्टीमेटली ये ऐसे हो जाते हैं और अलग हो जाते हैं। ये बाइनरी फिशन है आपका अमीबा का। अब मुझे इतना बताओ किसको नहीं समझ में आया, ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किसको समझ में नहीं आया, बाइनरी फिशन। थम्स अप अपना डाउन करेंगे अगर नहीं समझ आया, करेगा जिसको नहीं समझाएगा वो थम्स अपना डाउन करेगा, थम्स अप एंड थम्स डाउन। ओके, कनिका, भावना, आयुष, अभिनव, अक्षित, अंशु, नंदिनी, पार्थ, बाकी क्या कर रहे हो, बाकी क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्या सुनने आए हैं? पार्थ आपका कैमरा क्यों ऑफ है? मैं टॉलरेट नहीं करूंगी जिसका कैमरा ऑफ हुआ, सॉरी। मैं बहुत हार्ड इतने अच्छे से समझा रही हूँ फिर भी कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, तो मेरी क्लास से जा सकते हो आप। नेक्स्ट टाइम मैंने वो ही चीज रिपीट नहीं करनी। आई एम नॉट रिपीटिंग अगेन अगेन वन टाइप ऑफ टॉपिक, वन टाइप ऑफ मटीरियल, जो भी है एक ही मटीरियल को मैं बार बार नहीं उसको रिपीट करूंगी। नंदिनी, मैं यहाँ से आपका माइक ऑन कर रही हूँ, माइक ऑन करें और मुझे बाइनरी फिशन समझाएं एक बार। नंदिनी, नंदिनी ये हाल है फिर आपका, है ना? ठीक है, यामिनी आगे पढ़ेंगे बच्चे। इन दिस मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन In this mode of asexual reproduction, two binary amoeba are formed as a result of the division fission of a single parent. Hence, this type of asexual reproduction is known as binary fission. Moreover, both the amoeba are genetically identical to the parent and each other. स्टॉप करें, करें। लिखा उसको अंडरलाइन करके चला करो ना। बाइनरी मींस टू, फिशन मींस डिवीजन, डिवाइड, डिवीजन। ठीक है, तो इस तरह से जो दो अमीबा बन रहे हैं, टू डॉटर अमीबा बन रहे हैं, तो बिल्कुल डिटो कॉपी होगी अपने पेरेंट अमीबा। ठीक है, वो डिटो कॉपी किसकी होगी, मींस जो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन
रिप्रोडक्शन आप उसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कौन सा पेरेंट है कौन सा समझ में आ रही अपने पेरेंट्स किस रिप्रोडक्शन एंड कौन सा टाइप तो विभा में बाफिशन सबको समझ यस ठीक है अभी एक और टॉपिक हम कर लेते हैं दैट इज कल पहले मैंने जो पढ़ाया है ना बाइनरी फिशन हर एक टर्म्स वो पहले मैं सुनूंगी तुमसे फिर मैं नेक्स्ट पढ़ाऊंगी देन वी डू पढ़ दो ठीक है फिर आगे का हम देखेंगे क्या पढ़ना है तो पहले आपने ये सब चीजें पढ़ के आनी अच्छा अभी क्या बोलता है अभी सुनना हमने मलेरिया के बारे में पढ़ा था प्लाज्मोडियम वाइवेक्स तो स्टूडेंट्स जब मलेरिया होता है ना जब वो एनाफिलीज मॉस्किटो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो में रहता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो वायरस होता है उसके उसमें रहता है अब क्या होता है ये जो प्लाज्मोडियम जो होता है ये हमारे जैसे ही ब्लड में एंटर कर जाता है ना तो बाइनरी फिशन करना स्टार्ट कर देता है बाइनरी फिशन इसमें बाइनरी तो नहीं होती बहुत मल्टीपल फिशन होती है बाइनरी का मतलब टू है बट इसमें मल्टीपल फिशन होती है आपकी बुक में बहुत अच्छे से डायग्राम बना हुआ है ऐसे करके ब्लड सेल का वो बताया गया है तो इसमें ये मलेरिया ये प्लाज्मोडियम है तो ये मल्टीपल फिशन शो करता है तो मल्टीपल फिशन भी होती है बाइनरी नहीं होती है कई जो होते हैं एनिमल्स वो आपके मल्टीपल फिशन भी शो करते हैं ठीक है ओके नेक्स्ट इज ये थोड़ा सा आपको नॉलेज के लिए था कि ऐसा भी होता है तो ये छोटी छोटी चीजों को ना थोड़ा कैच किया करो नेक्स्ट टाइम अगर कहीं पढ़ो कि अच्छा हमने पढ़ा हुआ है इसमें मल्टीपल फिशन होती है तो ऐसे याद आता है चीज ठीक है नेक्स्ट इज पार्थिनोजेनेसिस का मैं थोड़ा सा बताऊंगी कल हम इस टॉपिक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे स्टूडेंट पार्थिनोजेनेसिस क्या है ढंग से सुन लेना पार्थिनोजेनेसिस एक ऐसी टर्म है जिसमें एग जो होता है बिना फर्टिलाइजेशन के एग किसके साथ फर्टिलाइज होगा जब स्पर्म्स एंड एग आपस में उनकी जब फर्टिलाइजेशन होती है जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि एग है मेल एंड फीमेल ठीक है तो हम तो स्टूडेंट पार्थिनोजेनेसिस क्या है इसमें आपका मेल गैमेट नहीं होता है ओनली फीमेल गैमेट इज प्रेजेंट और इसमें फर्टिलाइजेशन हो जाती है इसमें मतलब एग जो है बिना फर्टिलाइजेशन के आपका एम्ब्रियो बना देता है उसको हम पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं देयर इज नो फर्टिलाइजेशन देयर इज नो मेल गैमेट इज प्रेजेंट ठीक है उसको हम पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं आपका कोमोडो ड्रैगन्स आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल्स में आते हैं बहुत बड़ी बड़ी लिजर्ड्स होती है जायंट लिजर्ड्स है ना देखी है ना तो उसमें ये पार्थिनोजेनेसिस होती है ठीक है सिंगल पेरेंट होगा ठीक है और बिना किसी फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो बन जाता है दैट इज अ पार्थिनोजेनेसिस कई बर्ड्स में भी होती है उसको पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट टाइम जब कल क्लास होगी डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा उसको रीड करके आना ठीक है और पीछे जो भी पढ़ाया है बाइनरी नोटबुक और पेन साथ में रखना मैं देखूंगी किसने कहां लिखा है जो मैंने आज करवाया ठीक है पढ़ाई भी एक साथ बातें भी एक साइड खेलकूद भी एक साइड हर एक चीज का टाइम मिलेगा और मैं किसी दिन सरप्राइज टेस्ट लूंगी तो उसके लिए भी बी रेडी बी प्रिपेयर ठीक है फिर हम देखेंगे क्लोनिंग क्लोनिंग भी करेंगे कि किसका क्लोन बना रहे हैं हमने वंशिका का शुभांगी का हर्षिता का किस किस का क्लोन बनाएंगे फिर हम क्लोन भी बनाएंगे ठीक है हम सीखेंगे क्लोनिंग कैसे होती है कैसे एग्जैक्ट कॉपीज बनती है कार्बन ठीक है
कि कल हम क्या करेंगे, ठीक है ओके, कि कैसे क्लोनिंग बन सकती है। तो कल हम भावना हम सीखेंगे पार्थिनोजेनेसिस एंड क्लोनिंग को, ठीक है। जो फर्स्ट क्लोन था, जो पहली बार साइंटिस्टों ने क्लोन बनाया था, वो शीप थी जिसका नाम रखा गया था डॉली शीप, ठीक है। हम कल फिर क्लोनिंग पढ़ेंगे, ओके स्टूडेंट्स। और समझ में नहीं आएगा तो मेरे से पूछना है, मैं नेक्स्ट टाइम नहीं बताना है, इसी क्लास में पूछना है। आज का टॉपिक आज ही डिस्कस होगा, नेक्स्ट टाइम नहीं डिस्कस होने वाला है, ठीक है। और सभी स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, वेल परफॉर्म, ठीक है। आई एम विल गिविंग यू अ बिग स्टार टू ऑल ऑफ यू, सभी क्लास के स्टार्स हैं, है ना, एट क्लास रॉक स्टार्स होंगे, वेरी नाइस, ठीक है ओके। देन फिर आगे कल पढ़ते हैं, बहुत कुछ है चीज के सीखने में, इस चैप्टर में बहुत कुछ है सीखने के लिए, जो नेक्स्ट बायो रखेंगे उनके लिए भी होगा, जनरल साइंस भी आती है, तो इसलिए मेडिकल नॉन मेडिकल जिसकी जो भी चॉइस होगी, ऐसे नहीं कि हमने आगे नहीं पढ़ना है, जनरल साइंस बहुत पूछी जाती है आजकल एंट्रेंस एग्जाम्स में, तो आप यही से पूछे जाते हो जनरल नॉलेज, जनरल साइंस के क्वेश्चन यही 6 to 10 तक की क्लासेस से, तो आपको एक एक चीज अपनी रफ नोटबुक में नोट करते चला करो और लर्न करते रहा, ठीक है, क्योंकि आगे तो जॉब करनी है ना सबको, ठीक है, तो अभी से तैयारी करना शुरू कर। स्टूडेंट्स ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।